नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार झारखंड की अब तक की टॉप खबरों को। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए इसे लेकर एक ट्वीट किया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने आज उन्हें लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन व्यस्तम कार्यक्रम की वजह से उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ। वहीं एक अन्य मामले में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 जनवरी के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में उनके वकील कपिल सिब्बल ने तेजस्वी के बयान पर सफाई देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। मार्च में दिए बयान में तेजस्वी ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके खिलाफ अहमदाबाद में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसी मामले में हुई सुनवाई में शीर्ष न्यायालय तेजस्वी यादव के मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी। बिहार के सीएम तथा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, यह लगभग तय हो चुका है। यह बड़ी पहल कांग्रेस ने की है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जा सकती है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की गंभीर पहल हुई। बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल जेडीयू और आरजेडी और अन्य दलों के बीच लोकसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा करीब करीब हो गया है। सूत्रों ने बताया कि जेडीयू और आरजेडी आगामी लोकसभा चुनाव में 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि उसके अन्य सहयोगी दल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती। सूत्रों के मुताबिक यह सहमति राजद प्रमुख लालू प्रसाद के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई बातचीत में बनी है। राम मंदिर को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए विवादित बयान पर गिरिराज सिंह के बाद सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं तो बिहार के सभी मंदिर मस्जिद को तोड़वाकर अस्पताल बनवा दें। अगर उन्हें मंदिर की जरूरत नहीं है तो 50 लाख खर्च करके पूरे परिवार तिरुपति बालाजी क्यों गए थे। तेजस्वी यादव ने मधुबनी में कार्यक्रम के दौरान मंदिर की उपयोगिता पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ुआ विवाह के मामले में पटना हाईकोर्ट के अहम फैसले पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे पूरे नहीं होने के आधार पर शादी को कानूनी तौर पर अमान्य करार दिया था। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दुल्हन की अपील पर यह अंतरिम आदेश दिया है। यह मामला नवादा जिले का है। रेवड़ा गांव के चंद्र मौलेश्वर सिंह के बेटे रविकांत और लखीसराय जिले के चौकी गांव के बिपिन सिंह की बेटी वंदना कुमारी की 10 साल पहले शादी कराई गई थी। रविकांत ने आरोप लगाया कि उसका पकड़ुआ विवाह हुआ था। यह घटना 30 जून 2013 की है। उसे मंदिर से अगवा किया गया और शादी करा दी गई, जो उसके परिवार को भी मंजूर नहीं है। बिहार की राजनीति में हो रहे बदलाव और विपक्ष के लगातार सीएम नीतीश कुमार को कमतर आंकने और सियासत में हाशिए पर चले जाने का दावा करने वाली बीजेपी को नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया है और कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है और नीतीश के राजनीतिक भविष्य के बारे में बयानबाजी ना करें, क्योंकि राजनीति में कब क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, न ही राजनीति की कोई गारंटी है। वहीं आज अशोक चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं। दरभंगा के शोभन में एम्स की नई डिजाइन पर मुहर लग गई है। दरभंगा एम्स मामले पर राज्य के सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार नीची भूमि यानी लो लैंड के हिसाब से रीस्ट्रक्चर करने में जुट गई है। जल्द ही केंद्र द्वारा टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बिहार सरकार ने शोभन बाईपास में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव 7 दिसंबर 2023 को केंद्र को दिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने इसके लिए पत्र लिखा है। सोनपुर रेल मंडल की मंडल संसदीय समिति को बीते दिन बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सारण के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने की। इसमें सांसद अजय निषाद समेत आधा दर्जन सांसदों ने भाग लिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते दिन सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार को चुनाव कराने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी चुनाव आयोग, मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया है। खबर खेल जगत से, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आज से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के इस सत्र का पहला मैच बिहार और मुंबई के बीच खेला जा रहा है। इस मैच के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। बात मौसम के मिजाज की, बिहार में जनवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, हालांकि अधिकतम तापमान के समान रहने के आसार हैं। राज्य भर में इस महीने बारिश की स्थिति भी सामान्य रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने मौसम पूर्वानुमान को लेकर यह विशेष सूचना जारी की है। अब तक सूबे के शहरों में न्यूनतम तापमान की स्थिति मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को सच साबित कर रही है। महीने के आरंभिक 4 दिनों में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है।
इस बीच छिटपुट बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो गई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के अन्य हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची में बादल छाने के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम 13 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। 6 जनवरी के बाद कोहरे का असर दिखेगा। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज़।